गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हमने चैप्टर 7 पढ़ा था माई हाउस। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ये आपको चित्र में क्या दे रखा है, दिस इज राजाज होम, यानी राजा का ये घर है। लुक एट द केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। आपको ये चित्र देखना है, फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर देने हैं। कितने रूम्स है इसके अंदर, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। हाउ मैनी रूम्स आर दिस देयर इन द राजास होम, यानी राजा के घर में कितने होम है, कितने कमरे। तो देयर आर 5 रूम्स इन द राजास होम, हमने अभी गिने थे ना, कितने थे ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द कैट स्लीपिंग, बिल्ली कहाँ सो रही है। तो ये देखो, राजा के बेडरूम के अंदर उसके पास में है। तो द कैट इज स्लीपिंग इन द, कहाँ सो रही है, बेडरूम, राजा के बेडरूम में। वॉट इज राजा डूइंग द लिविंग रूम, राजा जो है लिविंग रूम के अंदर क्या कर रहा है, ये देखो टीवी देख रहा है। तो राजा इज वॉचिंग टीवी इन द लिविंग रूम, राजा जो है लिविंग रूम के अंदर क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। फिर वेयर इज राजा ब्रशिंग हिज टीथ, राजा ब्रश कहाँ कर रहा है, दांतों को कहाँ साफ करेगा। तो राजा इज ब्रशिंग हिज टीथ इन द बाथरूम, कहाँ साफ करेगा, बाथरूम के अंदर अपने दांतों को साफ करेगा ना। फिर व्हाट आर द पीपल डूइंग इन द डाइनिंग रूम, पीपल यानी लोग जो है डाइनिंग रूम के अंदर क्या कर रही है, सब क्या कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं ना। तो या पीपल आर हैविंग लंच इन द डाइनिंग रूम, वो दिन का दोपहर का भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोपहर का भोजन कर रहे। मैच द डेफिनेशन विद द करेक्ट पार्ट ऑफ द हाउस, अब आपको क्या करना है, इनको डेफिनेशन है ना, इनको हर रूम को हर चीज़ से मिलाना है, ठीक है। यू हैव डिनर विथ योर फैमिली हर, आप डिनर किसके कहाँ करते हो, डाइनिंग रूम में। फिर इन दिस रूम योर मॉम कुक्स, आपकी मम्मा खाना कहाँ बनाती है, किचन से मैच करना है ना। हेयर यू कीप द बुक्स एंड डू यूअर होमवर्क, होमवर्क आप कहाँ करते हो, स्टडी रूम में। यू रेस्ट इन द रूम बेडरूम, बेड यानी बेडरूम के हमारे खुद शयन कक्ष के अंदर हम रेस्ट करते। यू टेक योर मॉर्निंग शावर हर, आप है ना सुबह सुबह शावर कहाँ से लेते हो, बाथरूम से। अब आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, बुक से रिलेटेड है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्री फ्लाई, वाई डू हिली एरियाज हैव टिल्ड रूफ्स, हाउस इन द हिली एरिया, यानी ये पूछा है वाई डू हिली एरियाज हैव टिल्ड रूफ्स, यानी है ना जो पहाड़ी क्षेत्रों होते हैं ना वहाँ पे छतें झुकी हुई क्यों होती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में छतें झुकी हुई क्यों बनाते हैं, आपको बताया, मैंने बताया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और स्नो बर्फ गिरता है, इसलिए वहाँ पे छतें। तो ये क्या लिखा, हाउस इन द हिली एरियाज हैव टिल्डेड रूफ्स टू लेट द रेन और स्नो, यानी बारिश और बर्फ ज़्यादा इसलिए स्लाइड डाउन, वहाँ पे स्लाइड है ना, स्लाइडें बनी हुई जैसे घर होते हैं। अब व्हाट काइंड ऑफ हाउस टू पीपल मेक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हॉट वेदर, यानी गर्मी से बचने के लिए लोग किस टाइप के मकान बनाते हैं। पीपल मेक मूड हाउसेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हॉट वेदर, लोग जो है मूड हाउस यानी मिट्टी के और घास का घर बनाते हैं, किससे, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हॉट वेदर, यानी गर्मी से बचने के लिए। अस द रिमन कूल, और वो क्या करता है, ठंडक प्रदान करता है। फिर मेंशन एनी टू वेज टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन, आपको दो बातों दो चीज़ों का उल्लेख करना है जिससे आपको एनवायरनमेंट को साफ और ग्रीन रख सकते हो। वी शुड यूज़ पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स, आपको किस टाइप के बैग को यूज़ करना चाहिए, पेपर कागज़ के बैग को, और थैली के बैग को यूज़ मतलब प्लास्टिक के बैग को यूज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज क्लीन आवर सराउंडिंग, आपको हमेशा आपके आसपास की चीज़ों को क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। फिर वॉट इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, गिवन एन एग्जाम्पल, वॉट इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर दोज दैट कैन नॉट बी डेकम्पोस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, वेस्टेज
आर दोज दैट कैन नॉट बी डिकम्पोस्ट, जो क्या होता है, गलता नहीं है, अपघटित नहीं होता है। पृथ्वी के अंदर, पर्यावरण के अंदर जैसे प्लास्टिक है, आप उसको जैसा डालोगे वो वैसा ही रहेगा, गलेगा नहीं। उसके अलावा क्या होता है, कांच है तो जैसा डालोगे, उसके अलावा केले के छिलके वगैरह आप डालते हो तो कुछ तो पृथ्वी के अंदर अपघटित हो जाता है, बट कुछ अपघटित नहीं होता, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो उसके ये हो गया ना डिकम्पोस्ट एंड रिमाइन अस सच इन द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के अंदर अपघटित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, ग्लास यानी क्या होता है, कांच जो होता है नहीं गलता है। फिर इन दिस किचन देयर इज ए, अब आपको यहाँ पे तीन तीन ऑप्शन दे रखे हैं, टिक द ओड वन आउट, जो किचन के अंदर क्या होता है, फ्राइड स्टोव या शावर, तो क्या होता है स्टोव, ठीक है। फिर इन द बेडरूम देयर इज ए बेड, बेडरूम के अंदर क्या होता है, बेड। फिर इन द बेडरूम देयर इज ए, सॉरी इन दिस बाथरूम देयर इज ए, बाथरूम के अंदर क्या होगा, बाथटब। इन द लिविंग रूम देयर इज ए, लिविंग रूम के अंदर क्या होता है, सोफा, क्योंकि हम टीवी देखते बैठ के। इन द डाइनिंग रूम देयर इज ए टेबल, डाइनिंग रूम के अंदर क्या होता है, टेबल। अब ये मेंशन एनी थ्री थिंग्स यू फाइंड इन फॉलोइंग रूम्स, रूम्स के अंदर तीन चीज, बहुत सारी चीज़ें, उसमें आपको तीन चीज़ों के बारे में बताना है। लिविंग रूम के अंदर क्या होता है, सोफा, पेंटिंग और टीवी। फिर किचन के अंदर स्टोव और क्या, ये सिलेंडर, मिक्सर, बाकी और भी होते हैं अगर आपको लिखना हो तो। बाथरूम के अंदर क्या होता है, मिरर देखने के लिए, बाथटब और बकेट, बाल्टी। बेडरूम के अंदर क्या होता है, विंडो, खिड़की, बेड और अलार्म क्लॉक, जो घड़ी होती है। अभी आपको डॉट मिला के घर बनाना है, बाकी आपका चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। मैंने वीडियो बना दी है और मैं आपके प्रश्न उत्तर भी सेंड कर दूँगी।